बाय बेटा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो मेरा बच्चा। हेलो, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस सुबह सुबह का टाइम है और आज जानते हैं 21 जून है, योगा डे है। और मैं यही कहूंगी कि हर कोई योगा करे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। लेकिन फिर भी एक बात और बोलूंगी, बहुत सारे लोग चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाता है, टाइम नहीं निकल पाता है। फिर भी प्रभु करें, माता रानी करें कि वो तब भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सुबह सुबह मैं भी योगा आज नहीं करी, बस वही वाला डेली वाला रूटीन। नहीं, हर बार ना मैं सुबह थोड़ी देर योगा डे के नाम पे, जैसे कोई पूजा पाठ कोई दिन आता है भगवान का खास दिन, तो हम उस दिन ज़रूर उनकी पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं या जो चीज़ उनको चढ़ता है चढ़ाते हैं। उसी तरह से मैं क्या करती थी, योगा डे वाले दिन ज़रूर थोड़ा सा योगा कर लेती थी। लेकिन आज नहीं मन किया, तबीयत थोड़ी सी ऐसे लग रही थी, तो बस डेली की तरह जैसे थोड़ा सा टहलती हूँ वही थोड़ी देर अपना टहली। बस इतना करने से ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, छत पे अपने टहलने से। और मौसम भी अब काफ़ी ठंडा हो रहा था, बारिश की वजह से, बारिश हुई थी तो उसकी वजह से ठंडा मौसम था, बढ़िया गर्मी नहीं थी। और नीचे आने के बाद अब लग गई हूँ अपने काम में। और कई दिनों के बाद मैंने आज ये अपना जो काढ़ा बनाती थी ये भी आज मैंने चढ़ाया था, नहीं पी रही थी गर्मी की वजह से ना, ये सब बंद कर रखा था, कुछ भी नहीं पी रही थी, सिर्फ नॉर्मल पानी पी रही थी, वो भी पानी जो हल्का गुनगुना करके पीती थी, वो भी नहीं, सिर्फ नॉर्मल ऐसे बॉटल में जो पानी भरा रहता था वही लेके पी लिया करती थी। तो जब बारिश हुई, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, तो मैंने कहा आज बना लेती हूँ अपना वही जो जीरा और अजवाइन और सौंफ डाल के, गुड़ डाल के थोड़ा सा बनाती हूँ। अदरक अभी गर्मी की वजह से अदरक बंद कर दिया है, नहीं डालती हूँ, तो वो बॉयल करके पिया है, पानी पिया है। और उसके बाद लग गई हूँ काम में। अब ये झाड़ू साफ सफाई, और अब आज से बच्चों का स्कूल खुल गया है, मेरे बच्चों का, बहुत सारे लोगों के बच्चों का नहीं खुला होगा। हम लोगों के यहाँ जैसे कि जुलाई में ही खुलता है, यहीं पे बहुत सारे स्कूल जुलाई में ही खुलेंगे, फर्स्ट या थर्ड फोर्थ ऐसे फिफ्थ जुलाई तक। लेकिन इन लोग का छुट्टी जल्दी होती है, जल्दी ही स्कूल खुलते हैं। सेंट्रल स्कूल का मतलब डेट एकदम फिक्स रहती है, इतने दिन छुट्टी होगी, इस डेट को बंद होगा, इस डेट को खुलेगा, हर बार का। और यहीं अकेले नहीं, पूरे जितना भी इंडिया में, पूरे मतलब अपने भारत देश में जितने भी सेंट्रल स्कूल होंगे सबका यही डेट रहता है। तो ये सेंट्रल स्कूल का तो नियम ही होता है, आप ट्रांसफ़र कराइए कहीं भी चले जाइए। और ज़्यादातर फौजी लोगों के जो बच्चे होते हैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये रहता है कि उनका ट्रांसफ़र कहीं भी हो तो वो अपना ट्रांसफ़र करा के एक सेंट्रल स्कूल से दूसरे सेंट्रल स्कूल में डाल देते हैं ले जाके, तो एडमिशन वगैरह की झंझट नहीं होती है, बार बार परेशान नहीं होना पड़ता है। हमने भी ऐसा ही किया था जब हम गाँव से इधर आए थे, वहाँ पर भी मैंने दीक्षा को सेंट्रल स्कूल में ही डाल रखा था। बाय बेटा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो मेरा बच्चा। तो बच्चों को भेज दिया, गए स्कूल, और इतने दिन छुट्टियां, 40 दिन की छुट्टियां बीती हैं, और आज है 21 जून। और 21 जून को क्या होता है, योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, योग करिए और स्वस्थ रहिए। और दीक्षा छोड़ के भी लौट के आ गई है, घड़ी में बज रहे हैं 7:10 आई हैं। मैं आई उसके बाद लग गई कुछ काम में, फिर मैंने कहा चलो, एक तो मेरा ट्राईपॉड जो है टूटा हुआ है, तो कभी इधर से उल्टा सीधा इधर उधर कभी वीडियो बन रहे हैं बिना ट्राईपॉड के, तो काम चल रहा है। आने वाला होगा वैसे तो दीक्षा ना, कितने दिन हो गए ऑर्डर किए ना, मार्केट में ढूंढा होता शायद मार्केट में मिल ही जाता, हम मार्केट गए ही नहीं ढूंढने के लिए, हो सकता मार्केट में मिल जाता तो काम ही बन जाता। तो बस आज किस किस ने योग किया भाई बताइएगा, आज के दिन मैं वैसे तो करती थी,
हम दोनों ही लोग हर बार, इस बार नहीं किया है, इस बार सिर्फ वही वॉक किया, वॉक करके चली आई हूँ, कोई योगा नहीं किया है फिलहाल। और क्योंकि स्कूल था वो भी टाइमिंग जल्दी थी, तो बच्चों के चक्कर में फिर मैं बस काम निपटाई और उसके बाद, हर बार का यही 21 जून को इनका स्कूल खुल ही जाता है बच्चों का, और बाकी यहाँ के सारे स्कूल बंद रहते हैं। इन लोग की जल्दी छुट्टियाँ होती हैं और जल्दी ही स्कूल खुलते हैं, और सारे स्कूलों की लेट से छुट्टी होगी, लेट से स्कूल खुलेंगे। अब कैमरा एक तरफ ऐसा लग रहा है लटका हुआ है, तभी चाय पीऊँगी, एक बार तो पी ली थी लेकिन अब मन कर रहा है दोबारा से पीऊँ। ये गए हैं नहाने के लिए, ये नहा के जाएंगे पूजा करेंगे, मुझे पूजा भी नहीं करनी है तो मैं आराम से नहाऊंगी अभी कुछ काम करूंगी, एक दो काम और है निपटाऊंगी, उसके बाद फिर नहाने के लिए जाऊंगी, चाय पीऊंगी। और दीक्षा तुम योगा कर लो जाके। मैंने कर लिया। कर लिया? कब किया भैया? आज सपने करो, जाके छत पे बिछा लो मैट, वहाँ जाके करो। लगाया दीक्षा ने उठते ही तेल लगाया है, बालों में शैम्पू करना है। मैंने आपको बोला था, आपने मुझे बोला तो था बेटा, मैं भूल गई, और तुमने फिर याद नहीं कराया, नहीं मैं रात में लगा देती। डांट रही थी, गुस्सा लगती तो बोल देती तेल भी लगा दो मम्मी, बालू खा रात में ये लोग लेट कर रहे थे, मैं इसलिए रात में चिल्ला रही थी लोगों की, सुबह स्कूल जाना है तो जल्दी कर लो जल्दी कर लो। तो ये लोग जब छुट्टियां थी तो हॉलीडे होमवर्क वो लोग नहीं किए, लास्ट दिन में लगे पड़े हैं, रात के 11 बजने वाले हैं, और इसीलिए मैंने कहा सुबह जब जल्दी उठना है तो रात में जल्दी सो जाओ, जल्दी क्या सो, 10 बजे भी 10:30 बजे भी सो जाओ, तब भी 11 बज गए अभी काम करे जा रहे हैं। तो गुस्सा लगी थी, मैं चिल्ला रही थी, दीक्षा तेल लगाने के लिए बोला तो था, फिर दीक्षा ने बोला नहीं, मैं भी गुस्से में अपना बोल बाल के लेट गई थी। फिर ये लोग कितने बजे सोए थे तुम लोग? 12 बजे सोए, इतना बोलने के बाद भी मेरे हैं काम करा, उसके बाद 12 बजे सोए हैं, और 6 बजे उठा दिया था मैंने, 6 बजे नहीं थे तभी उठा दिया था, पौने छः बजे इनको उठा दिया था कि तैयार हो जाओ नहीं लेट हो जाओगे, तब जाके जल्दी 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 नहाना, दोनों लोग नहाना, फिर तैयार होना, वही जाता है पहला दिन, एक तो रहता है कभी कुछ मिल नहीं रहा है, कभी कुछ रखना है, कभी कुछ करना है, जबकि काफ़ी चीज़ें पैक कर ली थी बैग शाम को ही इन्होंने, वहाँ पे योग वगैरह करने के लिए भी बेड शीट बोला था या तो मैट बोला था, योगा मैट वैसे तो है लेकिन वो थोड़ी सी उसके जो है कंडीशन मतलब उतनी अच्छी नहीं है, अब फालतू का लगता है एक दिन के लिए क्या योगा मैट खरीदो, वैसे तो पड़ी हुई है वो भी ठीक है, पर वो जो बिल्ली का बच्चा था ना उसने उसके पंजे मार मार के उसको, बिल्ली का बच्चा क्या, प्लूटो हाँ प्लूटो था प्लूटो था, उसने उसमें कई जगह पंजे मार दिए योगा मैट में, तो फटी तो नहीं है पर उसके उधड़ चुके हैं, इसलिए योगा मैट एक थी नहीं, ये लोग ले जाते बेडशीट, सारे बच्चों को बोला था या तो योगा मैट लेके आओ या बेडशीट लेकर आओ, तो इन दोनों लोगों को मैंने बेडशीट ही दे दी थी सिंगल बेड वाली, और लेके ये लोग गए हैं, अब योगा करेंगे स्कूल में, और अभी चलते हैं काम में लग जाते हैं, बातें बहुत हो गई हैं। तो मैं अपने काम में लग गई और नहाना धोना वही डेली वाला सारा काम, लेकिन दीक्षा ने आज बनाई है रेमेडी, क्योंकि बालों में शैम्पू करना था, मुझे बोल रही थी पर मैं कामों में थोड़ा बिजी थी, तो आज दीक्षा ने खुद से रेमेडी बनाई और बालों में लगाई। अरे भगवान, आ गया लगता फिर से बहुत तेज आंधी तूफान, आ गई मानसून आ गया भैया, अभी वो आया थोड़ी देर में, परसों तूफान आया था, फिर कल बारिश सुबह तक हुई थी, और आज फिर तूफान आ गया, अभी दोपहर का समय वो लाइट भी चली गई, ये तूफान उस दिन भी लाइट ले गया था, आज भी लाइट ले गया, यहाँ पर ये अरे वाली लाइट जला दो बेटा, एकदम अंधेरा हो गया, क्या बताएं, लाइट नहीं मतलब तूफान आएगा तो लाइट तो जाएगी ही, इसमें क्या बोलें। ये लोग स्कूल से, कैसा रहा आज योगा डे, है बढ़िया रहा, योगा किया तुम लोग? करा, और पढ़ाई भी हुई? बच्चे नहीं आए थे। चलो ठीक है, जितने आए थे इतने तो योगा कर लिए, कोई बुरी बात थोड़ी ना है, बच्चे सोचे होंगे आज योगा होगा इसीलिए आए नहीं, फर्स्ट डे वैसे भी बहुत सारे लोग छुट्टी मार लेते हैं। चलो अपना ये देखा, इधर दीक्षा बैठी हैं,
सब लोगों ने खाना निकाला है और ये आज गए हैं शादी में, कहीं थोड़ा दूर दोस्तों के साथ में शादी है, ज्यादा रोशनी, तो इसलिए हम ही चार लोग हैं। ये कल आएंगे रात, शादी मतलब लड़के की शादी है तो रात के बाद कल ही लौटेंगे, जैसे बारात में नहीं जाते हैं, बारात में गए गांव में ऐसे सिस्टम होता था ना, तो थोड़ा दूर है तो ये निकल गए, तो हम बच्चा पार्टी सब मिलके लगे हैं खाना खाने में, सुबह से वही काम वही। और अपने हैक से खाना बनाया? नहीं, हैक वेक नहीं किया था, बात करते करते बुआ से काफ़ी देर दाल चढ़ा दी, इतनी देर बात करी दाल चावल मेरा दोनों बन गया था, डेढ़ घंटे से ज़्यादा बात हो गई थी, तो बात करते करते ही बर्तन धुल ले, दाल चढ़ा दी दाल बन गई, और चावल चढ़ा दिए चावल बन गई, डेढ़ घंटे बन ही जाएगा। चलिए फिर दाल चावल बनाया, तो बात कर रही थी आराम आराम से, बात करते करते दाल डाला फिर चावल डाला बर्तन धुला, तो होती रही बात भी। कल तक तो सूख ही जाएगा, क्या दिक्कत है? अब बारिश आने शुरू हो गई ना, अब कपड़े नहीं जल्दी सूखेंगे, गर्मी थी तो जल्दी से सूख जाते थे। अभी कौन सा, इतनी ठंडी हो गई? ठंडी नहीं हो गई है, बारिश बेटा, बारिश की वजह से अभी मोटे मोटे कपड़े सूखेंगे, रह निकल लूँ क्या यार। आ गया, इसके बिना कितनी परेशानी हुई मेरे को ब्लॉग बनाने में कितने दिनों से, छोटी सी चीज इतने बड़े थे। ट्राइपॉड में लगा दे, एक और मंगाना है, पहला बढ़िया लग रहा है। हाँ सही, इसीलिए का एक मंगा लूँ तो एक दूसरे वाले छोटे वाले में ना उसमें भी लगा दूंगी, ये बड़ा ढीला सा लग रहा है। अच्छा यहाँ तो एक बार तो मैंने कपड़े 3-4 ले आई और डालना शुरू कर दी थी, लेकिन फिर जानते हैं डर कि कपड़े सूखते नहीं हैं, फिर टेंशन यहाँ डालो वहाँ डालो, अब मॉइस्चराइज वाला थोड़ा सा मौसम जैसा नहीं होता, बारिश होने लगती है तो, और जिस दिन से आंधी तूफान आया था कभी सुबह में कभी शाम में हल्की फुल्की, ऐसे मौसम ख़राब हो रहा है, बूंदाबांदी हो रही हैं, और सुबह धूप थी सुबह, लेकिन मैंने सुबह डाला नहीं था, बहुत कड़ी धूप लग रही थी, मैंने कहा चलो शाम को डालूंगी और सूख जाएंगे, और इस टाइम मौसम हो गया ख़राब शाम को, तो मैंने कहा अभी फिर कपड़ों को सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ कहाँ डालो गीले कपड़ों को, कहाँ डालो, हल्के फुल्के गीले रहते तो कमरे में डाल दो ठीक है, और ज़्यादा गीले रहते हैं तो दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने फिर ड्रायर ही करना ठीक समझा, ड्रायर करके डाल दी, और आज जो ट्राईपॉड का मेरा टूटा हुआ मतलब हिस्सा था वो मंगा लिया था तो आ भी गया, तो बड़ी खुशी हुई, नहीं बड़ा ही मुश्किल हो रहा था वीडियो वगैरह बनाना, और लगा दिया, देव ला के दिए मुझे, जैसे ही मैं छत पे आई वैसे ही फ़ोन आया, उसका मतलब ऑर्डर आ चुका है आपका, ले लीजिए, तो देव ले आए, तुरंत ही लगाया मैंने ट्राईपॉड में, और उसके बाद फिर लग गई हूँ काम में, अभी शाम का टाइम है, बच्चों को लगी थी भूख, तो मैंने कहा चलो तुम लोग को क्या कहते हैं आज मैंगो शेक ही पिला देती हूँ, जो देसी वाला आम होता है दशहरी आम जो आता है, उस दिन लेकर आई थी मंडी से, तो उसी आम का, मैंगो शेक वाला आम नहीं, इस आम का भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, टेस्टी लगता है, तो इसी आम का छील के बस निकाल के डाल दिया है, और बच्चे खुश हो जाते हैं, मैंगो शेक वगैरह पी के ना ठंडा ठंडा, चाय मैंने कहा नहीं बनाऊंगी, लेकिन जानते हैं जैसे ही मेरा मैंगो शेक बना वैसे ही आंटी आ गई थी, तो आंटी को मैंने कहा पी लीजिए, तो बोली नहीं शुगर है तो नहीं पीऊंगी, तो फिर मैंने मैंगो शेक रख दिया, फिर से चाय बनाई उनको भी पिलाई, मैंने भी पी थी, और मैंगो शेक में होता है ज़्यादा चीनी थी, और चाय में हल्की सी चीनी मैंने डाली थी उनके लिए, बोले हल्की चीनी डाल के मुझे चाय बना दो, तो बस चाय भी पिया, फिर मैंने तो दोनों ही चीज़ पिए, पर बच्चों को मैंने सिर्फ मैंगो शेक ही दिया था। ट्राईपॉट वाला आगे कहाँ? बोल रहा है। अच्छा बड़ी खुशी हुई उसके आने पे।
बड़ी दिक्कत हो रही थी जब से वो टूट गया था वीडियो बनाने में, ये दोनों ने तोड़ा है। अब एक और अभी मंगाना पड़ेगा, दूसरे छोटे वाले उसके लिए। दो तो मंगाया था, एक ही मंगाया था उस दिन। मैंने कहा पहले एक देख लूं सही आए तब दूसरा मंगाऊं। तो मैंने मैंगो शेक पिला दिया था लेकिन इन लोग को चिप्स खा लिया। मैंने मैंगो शेक पिलाया अब इनको, तब भी कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। मैंने कहा जो चाहिए बना लो, क्योंकि दीक्षा इस समय घर में ही है तो क्या बनाया, चिप्स छाने हैं क्योंकि पापा नहीं थे इनके, तो बहुत सैड हैं तो चिप्स ही खा ले रहे हैं। नहीं तो क्या बनने वाली थी, दीक्षा जलेबी बनाने वाली है। कब बना रहे दिन पापा है। देखते हैं पापा तो कल ही आ जाएंगे सुबह। तो जलेबी बनने वाली है या तो सैटरडे या संडे, कल या परसों में। तो बस चिप्स खाएंगे और मंदिर में जाके दीपक जला दो भाई। कोई जल्दी से टाइम हो गया है दीपक जलाने का, तो ये लोग जाएंगे दीपक जलाएंगे, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अभी आंटी आ गई थी तो आंटी के साथ मैंने कुछ देर बैठ के बातें करी, चाय वगैरह उनको पिलाई, खुद भी पी, मैंगो शेक पी लिया। अभी ये चिप्स खाने, दो चार चिप्स ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि ये चिप्स वगैरह खाने में अच्छे लगते हैं लेकिन ऑयली होते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि ऑयली वगैरह खा के सर दर्द भी होने लगता है कई बार मेरा, इसलिए कम ही खाने की सोचती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं एंड कर देते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें। आप लोग के कमेंट से, लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, कई बार बोल चुकी हूँ और आप लोग बहुत सारे लोग करते हैं, उनका दिल से धन्यवाद। और अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि मेरा मन करे ब्लॉग बनाने का। तो चलिए फिर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। चिप्स तैयार में, बाय बाय करो बच्चों, बाय बाय।